Hi guys, this is me Kareena, back with another video. So आज की मैं आज आपको बताऊंगी कि आप विंटर में अपना मेकअप कैसे कर सकते हो. So without any further delays, let's get started. तो आज ही guys, नो की विंटर के टाइम आपका स्किन कितना ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैची पैची हो जाता है, बहुत आपका जो डेड स्किन सेल्स है बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है एंड बहुत फ्लेकी हो जाता है. यू नो जब आप ऐसे रब करते हो अपने नेल से तो एकदम पाउडरिश होके आपके स्किन से निकलता है. आई होप यू गेट माई पॉइंट. एंड उसके ऊपर जब आप मेकअप करते हो तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील करता है, बहुत इची फील करता है एंड प्लस आपका मेकअप बहुत ज़्यादा दिखने में बुरा लगता है. विंटर में आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मैं थोड़ा सा अपने मेकअप में थोड़ा सा चेंज करती हूँ. लाइक आई जस्ट यू नो पुट अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर. तो आप देख सकते हो कि मेरा फेस पूरा बेयर है. मैंने अपना आईब्रोज किया है, मैंने इसमें अभी एक ट्यूटोरियल शूट किया, माई अपडेटेड आईब्रो ट्यूटोरियल. अगर इसके पहले वो वीडियो आया तो आई विल पुट अ लिंक टू दैट वीडियो ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. एंड मैंने लिप बाम लगाया है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पता है कि मेकअप करने से पहले भी आपको स्किन केयर फॉलो करना पड़ता है. सो या आई डू द सेम. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, आपको थोड़ा सा मेरे स्किन में स्पॉट्स दिख रहे होंगे, एक्ने स्पॉट्स छोटा छोटा ये दोनों चीक्स पे, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे को बहुत ज़्यादा एक्ने आ गए थे. एक्ने तो चले गए बट उसका जो स्कार्स है एंड स्पॉट्स है वो रह गए. सो या वो जा रहे आस्ते आस्ते. तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी बाय अप्लाइंग द टोनर. आई एम नॉट इन टू टोनर्स मच बट सिंस टोनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्किन के लिए, सो आई यूज दिस VLCC रोज वाटर टोनर. एंड आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड विद दिस VLCC रोज वाटर बट या दिस डज द जॉब. सो बट नेक्स्ट ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो इसके बाद आई ट्राई अ बेटर रोज वाटर. एंड इसको फिर अपने पूरे फेस में अप्लाई करती हूँ दोनों हाथ में ऐसे पैक करके. तो इससे जो आपका जो ओपन पोर्स होता है स्किन का वो क्लोज हो जाता है. तो मैं स्लोली इसे डैप कर देती हूँ ताकि मेरे स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए. उसके बाद मैं यूजुअली मॉइस्चराइजर लगाती हूँ या फिर इफ इट्स डे देन डे क्रीम लगाती हूँ. एंड बिफोर गोइंग टू बेड आई अप्लाई द नाइट क्रीम राइट आफ्टर टोनर. बट मैंने अभी ये स्टेप ऐड किया है मेरे स्किन केयर रूटीन में, दैट इज़ द सीरम. एक्चुअली मेरा ये डार्क स्पॉट्स के लिए मैंने ऐड किया था ताकि ये स्पॉट्स जल्दी चले जाएँ. तो मैं ये कोजी केयर का सीरम यूज़ कर रही हूँ विच इज़ स्पेशली फॉर लाइटनिंग द डार्क स्पॉट्स दैट आर देयर ऑन योर स्किन. तो जो भी मैं प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ मैं पहले उसे अच्छे से अपने फेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ. देन उसके बाद मैं पैट करती हूँ ताकि एज यू नो कि पैट करने से आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आपके स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होता है एंड उसका जो गुडनेस है आपकी स्किन में ज़्यादा मिल पाता है. तो विंटर के लिए स्पेशली मैं ये निविया का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ. आई फील दिस मॉइस्चराइजर योर स्किन वेरी वेल, लाइक वेरी वेल. दिस द निविया सॉफ्ट get party ready with berry blossom limited edition. This is actually I pick up the blue one usually but मेको ये थोड़ा fascinating लगा, pink color में था and berry blossom something, तो मुझे लगा कि मैं ये टाइम ये वाला ट्राई करती हूँ. एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर. यू कैन सी हाफ ख़त्म भी हो गया है क्योंकि रेगुलरली आई यूज़ दिस अ लॉट. इससे अपने फिंगर टिप में लूँगी एंड अपने फेस में अप्लाई करूँगी. तो मैं जितना नॉर्मली जो जितना अप्लाई करती हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए एंड प्लस मेरा स्किन थ्रू आउट द डे मॉइस्चराइज रहे. तो अभी मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर. मैं अपने टी जोन में लगा रही हूँ एंड थोड़ा सा चीक्स में लगा रही हूँ. फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस लॉरियल पैरिस ग्लो मैच सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन अम्बर. या तो मैं ये फाउंडेशन को अपने बैक ऑफ माई हैंड थोड़ा सा लूंगी. देन मैं उसमें ऐड करूंगी मॉइस्चराइजर अगेन, द मॉइस्चराइजर विच आई अप्लाइड अर्लियर. तो मैं दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी. तो अभी मैं अप्लाई कर लेती हूँ ये फाउंडेशन विथ माई फिंगर. अभी अब कुछ ब्रश या कुछ ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ कर रही हूँ अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए. मैं अपने फिंगर से ही अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी.
Now you guys can see मेरा foundation set हो गया है and oh my god glow आप देख सकते हो कि कितना मस्त glow आ रहा है क्योंकि मैंने इतना सारा moisturizer apply किया है तो उसके बाद मैं apply करूँगी little concealer on my under eye कैमरा में ये कंसीलर बहुत ज़्यादा वाइट लगेगा but this is my tone guys so I'm not really using any kind of brushes today मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई कर दूँगी so now we have to set the concealer in place first मैं अपने अंडर आई को सेट कर दूंगी मैं अपने अंडर आईज को सबसे पहले सेट कर लिया क्योंकि यू नो अंडर आईज में बहुत जल्दी क्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद यू नो आप जब भी रेगुलरली मेकअप करते हो तो आप पूरे फेस को अच्छे से सेट करते हो बेक करते हो बट फॉर द विंटर्स यू हैव टू स्किप दिस स्टेप बिकॉज आप जब बेक करते हो तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है एंड अगेन इट विल लुक वेरी ऑफुल तो मैं ब्रश में थोड़ा सा सेटिंग पाउडर लेती हूँ एंड थोड़ा थोड़ा ऊपर से एकदम ऊपर ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करती हूँ अपने फेस में ये पाउडर अच्छे से सेट भी नहीं कर रही मैं एकदम हल्का हल्का सा पाउडर को अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ मैंने ज़्यादा चीक्स में नहीं किया क्योंकि आई एम लविंग द ग्लो ऑन माई चीक्स तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पाउडर को अप्लाई कर लूँगी एंड नाउ इज़ द टाइम टू ब्रॉन्ज योर फेस माई ऑल टाइम फेवरेट रूट गो फॉर ब्रॉन्ज ब्रॉन्जर एकदम हल्का सा तो ब्लश अप्लाई करने के लिए आई एम यूजिंग दिस क्रीम ब्लश इट हैज ऑल द न्यूट्रल कलर्स डार्क पीच काइंड ऑफ कलर बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है इसे अपने फिंगर टिप में लूँगी एंड अपने चीक्स में ऐसे करके डैप करूँगी एंड इसे स्प्रेड कर दूँगी ताकि ये जो यू कैन सी दिस इज सच अ प्रिटी पिंकिश रेडिश काइंड ऑफ टोन And this also, you know, keeps the glow on my face. मैं थोड़ा सा इसे अपने nose में भी apply करूँगी. मैं ये eyeshadow palette लूँगी and इसमें से जो light brownish और dark brownish color है, थोड़ा सा अपने, you know, eyelid में apply करूँगी ताकि मुझे थोड़ा सा, you know, tone मिल सके. I use this all-time favorite KT Price highlighter, but मैं इसे, you know, जो powder form में है, मैं इसे क्या करूँगी? थोड़ा सा इसका powder लूँगी, back of my hand and थोड़ा सा moisturizer apply करूँ, थोड़ा सा moisturizer उसमें डाल के ये तो mix करूँगी and वो बन जाएगा हम लोग का cream highlighter. So with the eyelash color, I'll curl my lashes. अपने eyebrows के नीचे highlighter apply करना भूल जाती हूँ. And on my inner corners of my eyes. And मैंने मस्कारा के लिए अप्लाई किया था ये मेबलिन न्यूयॉर्क द फॉल्सेस पुशअप ड्रामा एंड फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस एली 18 कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक इन द शेड B41 विच इज अ चोको बाइट दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड ब्राउनिश But I won't keep it like this. मुझे आज डार्क लिप्स नहीं चाहिए मुझे आज चाहिए न्यू लिप्स इसलिए मैं अप्लाई करूँगी ये लाइटर शेड तो ये मैं अपने लिपस्टिक के ऊपर लगा दूँगी सो या दिस इज हाउ माई मेकअप टर्न्ड आउट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू स्प्रे द सेटिंग स्प्रे सो आई शेक द बॉटल एंड सेट माई मेकअप इन प्लेस
So I hope you guys enjoyed this video. If you did, don't forget to give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more such interesting videos like this. See you guys in my next video. Ta-da!